नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को सनशाइन भागवन क्लास 9 का पाठ दिए जले उठे इसका मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। बच्चों क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इससे पहले भी मैं दिए जल उठे का एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ और क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ, समरी भी बनाई हूँ। क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। हिंदी व्याकरण का भी बहुत चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए ऐप बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बच्चों अभी मैं आप लोगों को दिए जल उठे या पाठ मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगी। दिए जल उठे पाठ मधुकर उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जैसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और भी अनेक लोग थे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से आंदोलन किए और उनके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई, उन सब का जिक्र इस पाठ में किया गया है। आज जो हम आजाद देश में रह रहे हैं यह आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस आजादी को पाने के लिए ना जाने कितने संघर्ष और बलिदान देना पड़ा। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि महात्मा गांधी किस तरह दांडी यात्रा किए थे और नमक कानून को तोड़कर नमक बनाए, क्योंकि अंग्रेज सरकार नमक पर टैक्स ले रही थी, सामान्य सा नमक के लिए टैक्स देना पड़ता था। नमक तो रोजमर्रा का महत्वपूर्ण चीज होता है, नमक के बिना सब फीका है। नमक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, इसलिए गांधी जी नमक आंदोलन किए। तो इस पाठ में इसका ही जिक्र किया गया है। पाठ शुरू करती हूँ। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था, क्योंकि बरगद पेड़ काफी सालों से रहता है तो जो भी होता है वहां पर तो वह साक्ष रूप में सब कुछ देखता है। तो यहाँ से पाठ शुरू होता है कि रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में क्या हुआ था, वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। रास गुजरात में एक जगह है, यानी वे देखना चाह रहे थे कि वहां किस तरह की दांडी कूच की तैयारी हो रही है, इसलिए वे वहां पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। लेकिन जहां जब वे पहुंचे वहां वल्लभ भाई पटेल, तो सारे लोग जो वहां पर इकट्ठा हुए थे उन्होंने कुछ बोलने के लिए 2 शब्द बोलने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? बस इतना सा ही बात बोले थे। इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा मतलब मनाही के आदेश मतलब बोलने के लिए मना के आदेश लागू कर दी। निषेधाज्ञा एक नियम होता है, उसको लागू कर दिया और पटेल को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर सिलीडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 शब्द मतलब 2 शब्द कहने के लिए जैसे ही वे बोले कि भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं, तो उस समय क्या हुआ, मजिस्ट्रेट आ गए जिनका नाम था स्थानीय कलेक्टर सिलीडी। सिलीडी क्या बोले, उनको गिरफ्तार कर लिए। तो यहाँ पर ही इस बात का जिक्र किया गया है कि कुछ दिन पहले आंदोलन तो वहाँ भारतीय स्वतंत्रता के लिए हमेशा कुछ न कुछ आंदोलन होता रहता था। तो एक आंदोलन था पिछले कुछ दिन पहले, तो वहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हें भगा दिए थे, जिसका बदला वे लेना चाह रहे थे।
बल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया। बल्लभ भाई को पुलिस के पहरे में कहाँ लाया गया? बोरसद की अदालत में, जहाँ उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। यानी अपराध तो वे कुछ किए नहीं थे ऐसा, लेकिन फिर भी वे कबूल कर लिए कि हाँ हम वहां पर बोले हैं। तो जज को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे, क्योंकि जज को भी ऐसा लग रहा था कि इन्होंने कोई भारी गलती तो की नहीं है, और वे तो अपना बदला लेने के ख्याल से इनको गिरफ्तार किए थे, इसलिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह का सजा इनको देना चाहिए। 8 लाइन का फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। अब 8 लाइन का केवल फैसला लिखना था, जिसमें उनको 1.5 घंटा का समय लग गया। पटेल को 500 रुपये जुर्माना के साथ 3 महीने की जेल हो गई। अब उनको 500 रुपये जुर्माना के लिए कहा गया कि आपको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, और 3 महीने के लिए उनको जेल हो गई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। अहमदाबाद में एक साबरमती जेल है, उसमें उनको ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। अब वहां पर तो मेन नेता तो वहां के गांधी जी थे, तो गांधी जी को भी पटेल जी की गिरफ्तारी के बारे में और उनको जो 3 महीने की सजा मिली है, यह सब बात तो उनको मालूम पड़ गया। गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे, मतलब बहुत ही नाराज हो गए और बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है, वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। और गांधी जी को इस बात से इतना गहरा आघात लगा, इतना दुख लगा कि वे बोले कि दांडी कूच 12 मार्च को होना था, उससे पहले ही अब होगा। अब आगे बता रहे हैं लेखक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई जी, यहाँ पर पुलिस उनको गिरफ्तार कर लिए हैं और सारे लोग वहां पर इकट्ठे हैं। आगे बताया जा रहा है कि आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ जो लोग रह रहे थे, वे लोग एक एक आदमी हिसाब लगा रहे थे कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था, जहां पर गांधी जी का आश्रम था उसके सामने से ही रास्ता था जेल का, आश्रम मतलब जेल। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे, क्योंकि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉपुलर लीडर हो चुके थे। सामान्य समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए, और गांधी जी को ऐसा लगा कि हाँ अब तो पहुंच ही सकते हैं, तो वे ऐसा सोच ही रहे थे और बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हालत में नहीं रुकेगी। अब लोग ये सोच रहे थे कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली जो गाड़ी है वह यहाँ नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी, क्योंकि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल काफी जनप्रिय नेता हो चुके थे, मतलब पॉपुलर नेता थे, तो पुलिस को भी वहां पर गाड़ी रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात और एक छोटी सी मुलाकात दोनों के बीच में हुई, पटेल और गांधी जी के बीच में। पटेल ने गाड़ी में बैठते हुए आश्रमवासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। अब पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासी जो थे वहां के और गांधी जी, उनको कहा कि मैं चलता हूं, यानी अब आगे का जो भी काम है उसको संभालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। या इससे दूसरा यह भी निकल सकता है कि अब तो मैं जेल जा रहा हूं, अब हो सकता है कि आपको भी जेल में जाना पड़े, तो इसके लिए आप तैयार हो जाइएगा। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। अब पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी पर पूरा रिएक्शन हो गया, सब जगह प्रतिक्रिया हो गया। दिल्ली
में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय जी केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किए जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई और बहुत ही निंदा की गई कि इस तरह से पटेल जी को गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, मतलब पास नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी और बहुत सारे जो नेता थे उस समय अपना अपना राय दे रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। अब वहाँ मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि सरदार भाई वल्लभ भाई की जो गिरफ्तारी हुई है वह अभिव्यक्ति की मतलब बोलने की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। मतलब बोलने की स्वतंत्रता तो हर भारतीयों को है, लेकिन अगर एक लाइन अगर वो बोले ही तो उनको इस तरह से गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। अब वे कह रहे हैं कि भारत सरकार उस समय तो भारत सरकार अंग्रेज ही था, तो वे बोले जिन्ना कि भारत सरकार जो यह उदाहरण एग्जाम्पल पेश कर रहा है, इस तरह का वो हरकत कर रहा है, तो इससे क्या होगा, बहुत ही गंभीर परिणाम होगा। मतलब बहुत रिएक्शन होंगे, दंगे हो सकते हैं और कोई उसको छोड़ेंगे नहीं। गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। अब गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब जितने भी सत्याग्रही थे वे लोग अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सकें। अब ये जो तैयब जी हैं, अब वे सोच रहे थे कि हो सकता है कि पटेल जी तो गिरफ्तार हो ही गए, अब गांधी जी को भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो उसके बाद तैयब जी सोच रहे थे कि अब जो आगे का काम होगा वह हम संभाल लेंगे। बोरसत से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई भी कमी नहीं थी। अब वे लोग जान चुके थे कि हो सकता है मतलब अब गांधी को कोई भी नहीं पकड़ सकेगा और वे लोग सारे तरह के तैयारी करके वहां गए हुए थे। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। अब जब रास में गांधी जी पहुंचते हैं तो वहां उनका शानदार स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार समुदाय किसको कहा जाता है, जमींदार लोग जिसके पास बहुत सारे जमीन था, बहुत धनाढ्य लोग सब थे, तो वे लोग सबसे आगे थे उनका स्वागत करने के लिए। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवन में है। अब यहां पर इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि वहां पर जो जमींदार लोग थे तो उसमें से कुछ रास में रहते थे और कुछ कनकापुरा में रहते थे। कनकापुरा और उससे सटे गांव देवन में रहते थे। दरबार लोग रियासतदार होते थे, मतलब इलाके का मालिक कहलाते थे ये लोग। उनकी साहेबी थी, मतलब उनका ही चलता था। ऐसो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था, मतलब राजा जैसा वे लोग रहते थे। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। यानी उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर यहाँ हम लोगों के साथ रह रहे हैं। इन्हें कोई भी कमी नहीं थी, धन संपत्ति थी, फिर भी आजादी के लिए ये लोग हम लोगों के साथ रह रहे हैं, तो त्याग और हिम्मत इनसे सीखिए, ऐसा गांधी जी आम जनता जो वहां पर खड़े थे उनको कह रहे थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। अब यहां पर आगे बता रहे हैं लेखक कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को कहां होने वाली थी, साबरमती के तट पर। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे, मतलब वो एक मीटिंग से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी ने राष्ट्र में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। और गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को बोले कि इस समय उन तक पहुंचना बहुत ही कठिन होगा। तो आगे गांधी जी बता रहे हैं कि तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा।
नेहरू जी गांधी जी को पत्र लिखे हैं कि तुमको एक रात का जागरण करना पड़ेगा, मतलब पूरे रात तुमको जगना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता है। मैं उस समय जहां भी रहूंगा संदेशवाहक तुमको वहां तक ले जाएगा। इस प्रयाण मतलब यात्रा की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर खे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। अब यह सब बात गांधी जी बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू को कि रात को लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरे वहां पर जो होते हैं तो वे लोग उस पार करा देंगे अपने कंधों पर बैठा करके। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण मैं जरा भी विराम नहीं दे सकता। और यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अभी जेल में है, इसलिए अभी मैं कोई भी काम में विराम नहीं दे सकता, मतलब अभी मैं कोई काम को रोक नहीं सकता हूँ, आगे का काम जारी रहेगा। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी क्योंकि वल्लभ भाई गुजरात के थे, इसलिए वहां और भी लोग परेशान थे, गुस्से में थे। और वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में जितने भी लोग थे वे सरकार के खिलाफ कर रहे थे, अंग्रेज सरकार के ऊपर प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे। गांधी जी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से जो मुखिया बना आ रहा था, वे लोग उन्हें पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिए गए, मतलब वे लोग भी इस्तीफा दे दिए। गांधी ने दांडी कुछ शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ेगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि उस समय बहुत से राजघराने भी चलता था, तो राजघराने इलाके में वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य मतलब प्रमुख राज्य जो है वाले भूभाग से ही करेंगे, किसी राजघराने के इलाके से नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम में पड़ता। तो इन सब बातों का जिक्र कर रहे हैं कि गांधी जी किस तरह से यात्रा करना चाहते थे। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। अब सत्याग्रही जितने भी थे आजादी के लिए जो काम कर रहे थे वे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी जी को एक धर्मशाला में ठहराया गया जबकि बाकी जितने भी सत्याग्रही थे उनको तंबुओं में रोका गया। रास की आबादी करीब 3,000 थी लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि रास की आबादी उस समय 3,000 थी लेकिन जनसभा में जो आदमी आए थे गांधी जी से मिलने वे करीब 20,000 से भी ज्यादा लोग थे, यानी काफी दूर दराज के लोग उनके भाषण को सुनने आए थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिला है। और वहां पर जितने भी लोग आए हुए थे उनको गांधी जी यही बात बोले कि पटेल की गिरफ्तारी सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है, यानी आप लोगों की सेवा के लिए उनको या जो है उनको पुरस्कार के रूप में सजा मिला है, यानी वे हमेशा देश के लिए सेवा कर रहे थे तो इसीलिए उनको सजा मिली है। सरकारी नौकरियों से इस्तीफा का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। और आगे यहाँ पर लेखक कह रहे हैं उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। और गांधी जी बताए कि अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारा देश गुलाम है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरियों के लिए जैसे गंदगी पर मक्खी बैठी रहती है इस तरह वे लोग चिपके हुए हैं। उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि वे लोग अपना अपना इस्तीफा दे दें, इससे क्या होगा अंग्रेज सरकार यहाँ से उनको कोई काम नहीं मिलेगा, उनको कोई फायदा नहीं होगा तो वे लोग यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। तो इस तरह सबको सलाह दे रहे थे, उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए।
मतलब निकृष्ट क्षुद्र जो स्वार्थ है, इस स्वार्थ को नहीं लेना चाहिए। यानी वे सबको कह रहे थे कि सब लोग अंग्रेज सरकार का काम जो भी कर रहे हैं उस काम को छोड़ दें और अपने देश के कल्याण के लिए सोचें, देश में ही अपना कोई रोजगार करें, कोई काम करें, ताकि क्या होगा, धीरे धीरे अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गाँव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं है? और उन्होंने क्या कहा कि आप लोग कब तक गांव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? यानी इस तरह से अंग्रेज हमारे देश को चूस रहा है, लूट रहा है, और आप लोग उसका साथ दे रहे हैं। इस तरह अगर आप लोग सब दिन उनका साथ देंगे तो अंग्रेज सरकार ही यहाँ पर कायम रहेगा, फिर जो भारत है कभी भी आजाद नहीं हो सकेगा। सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं है? और यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि इस तरह से अंग्रेज सरकार लूट मचा रखी है, पूरा इंडिया, पूरा देश को तबाह कर रहे हैं, और आप लोगों की आंखें अभी भी बंद है, अभी भी आंखें खुली नहीं है, आप लोग आंख खोलिए, देखिए कि देश में क्या हो रहा है। तो इस तरह गांधी जी जनता को समझा रहे थे ताकि जनता जागरूक हो सके। तो यह पार्ट वन है बच्चों, क्योंकि बहुत लंबा पार्ट है इसलिए मैं पार्ट टू भी बना रही हूँ। और पार्ट टू देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, इसी के साथ पार्ट वन की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को पार्ट वन समझ में आ गया होगा, और आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों, धन्यवाद।